दो ऐसे डेटा सेट्स हैं जिनमें कंपनी के एचआर वाले, एचआर की टीम और मार्केटिंग की टीम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। बताऊं कौन से हैं? चलें अभी देखते हैं। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। डेटा सेट्स जो हैं उनका नाम है क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड लॉन्गिट्यूडिनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा एक ऐसा डेटा होता है विच इज कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, एक ही दफा होगा या ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि एक ही दफा आप चेक करते हैं उसको या बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए एक दो दफा चेक कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड दिस इज वन टाइम सर्वेस। आप एक ही दफा अपनी कंपनी में सर्वे करें उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, या स्नैपशॉट, स्नैपशॉट नॉट स्नैपचैट, स्नैपशॉट ऑफ सेल्स डेटा। बड़े बड़े सेल्स के डेटा का एक स्नैपशॉट ले लें कि अब इस वक्त सेल्स कितनी जा रही है, और वो जो डेटा आपके पास आता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। दिस इज यूजफुल फॉर कैप्चरिंग अ स्पेसिफिक मोमेंट, इजियर टू कलेक्ट। एक ही दफा आप एक डैशबोर्ड पे जाके या डेटा एक ही दफा अपनी कंपनी से कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डेटा के अंदर डेप्थ नहीं होती और टाइम का सीगा नहीं होता, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डेप्थ नहीं होती। दैट ब्रिंग्स टू अवर नेक्स्ट डेटा टाइप जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल डेटा। डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टू एनालाइज चेंजेस। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जब आप किसी डेटा को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डेटा, ठीक है। लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टडीज, यानी कि जो फॉर एग्जांपल वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं या डिफरेंट किस्म के मेडिसिन के ट्रायल्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स की हेल्थ स्टडीज होती हैं। वो किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को मोनिटर करना पड़ता है और आपको सालों साल उनकी मोनिटरिंग करनी पड़ती है टू लॉन्च सम मेडिसिन इन द मार्केट। और अगर आपका इत्तेफाक होता है एक मेडिकल कंपनी के अंदर एज ए डेटा एनालिस्ट काम करने का, तो आप लॉन्गिट्यूडनल डेटा पे काम करते हैं और बेसिकली वो टाइम डिपेंडेंट डेटा भी होता है, यानी कि टाइम सीरीज का डेटा भी होता है। यूजुअली आप इसमें एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, सो यू कैन एक्चुअली टेक आउट देयर डेटा जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब से लेके अब तक टुडे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। अगर वो मार्केटिंग के हैं तो कितनी इसने सेल की है, अगर वो नॉन मार्केटिंग किस्म का काम कर रहे हैं तो कितना काम उन्होंने किया है, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा वर्थफुल है हमारी कंपनी के लिए या नहीं। और यूजली वो एचआर वाले जरूर करते हैं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये काम लॉन्गिट्यूडनल डेटा सेट का होता है, और ये काम अगर आप एचआर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं तो आप लॉन्गिट्यूडनल डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। दिस इज आइडियल फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस ओवर टाइम एंड दिस प्रोवाइड्स डेप्थ एंड प्रोग्रेशन। डेप्थ भी होती है इसके अंदर और प्रोग्रेशन भी होती है। प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन जाती है। एंड दिस ऑल्सो इज अ टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट, क्योंकि जारी बात है पहले दिन से एंड वाले दिन तक जब आपने कलेक्ट करना है इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये नहीं होता कि आप दो दिन कलेक्ट कर लें तीसरे दिन ना करें। इसी वजह से एचआर टीम को पहले से बताया गया होता है कि आपने इंप्लॉयज की कौन कौन से मेट्रिक्स को ऑब्जर्व करके उनका डेटा कलेक्ट करना है या उनको मॉनिटर किस तरीके से करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसी वजह से मैं कहता हूं अगर आप एचआर के बिजनेस के अंदर हैं या आप कंपनी रन करें या आप सीईओ हैं, अपनी कंपनी के एचआर को जरूर बताएं कि हर एम्प्लॉय की डायरेक्टरी बनाई जाए और उनका डेटा प्रोग्रेसिवली काउंट किया जाए, मेजर किया जाए और उसको स्टोर किया जाए। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डेटा एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। ये दोनों डेटा सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां तक सीख चुके हैं दैट्स ग्रेट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।